जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। वंडरफुल वंडरफुल, गुड टू सी यू ऑल। बट स्टिल आई सी ओनली मे बी नॉट इवन द हाफ ऑफ द क्लासेस हियर इन दिस रूम, एंड दे शुड हैव बीन अबव 400 पीपल। That's the reason a lot of people be asking lectures and recordings all the time. I'm good, doing pretty good, thank you so much. Wonderful. So, aaj aapko idea hoga that we are going to be having a great session that is related to as usual freelancing, lekin what's going to be the plus point of today's lecture is you are going to learn the financial side, how you could manage your finances with the help of Fasl Bank, right? So we do have officials from Fasl Bank, and we do have officials from our head office, and they are going to be interacting with you. They are going to be sharing some really good solid information, some really good contemporary information that how you could work around a few things that would help you in managing your finances in the freelancing industry. So I would like to hand over to Mr. Naveed Ali and Mohammed Rehan Saab. Both of you are welcome. I will hand over to Naveed Ali so that he could just start with all the grace and could present the idea that what is going to be today. Thank you so much for joining. Thank you so much, Suhaib. Thank you so much. Assalamu alaikum, everyone. This is Naveed Ali from Heroes Gar. Hopefully, you all have a voice. जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। मेरी तरफ से तमाम ट्रेनीज को जो कि आज अपना टाइम निकाल के आए हैं, ट्रेनर्स जुहेब थैंक यू सो मच, आपने भी टाइम निकाला, आपकी क्लास में हमने इंटरवीन किया और हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ सर्विस क्लस्टर हेड हैं मोहम्मद रेहान साहब फैसल बैंक से, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है और आगे जब मैं सेशन उनको हैंड ओवर करूंगा तो वो आपको तमाम डिटेल्स जो है फैसल बैंक की बताएंगे। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं स्टूडेंट्स को। आपका माशाल्लाह सेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है, मेरा ख्याल है दूसरा या तीसरा वीक आपका चल रहा है, आप चीज़ें सीख रहे हैं, एक जर्नी आपने स्टार्ट की है टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। तो उसी चीज़ में जैसे हम ई रोजगार की तरफ से आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, फ्रीलांसिंग की कोई स्किल सीखनी है और फिर इस फ्रीलांसिंग की स्किल के अंदर मास्टर बनना है और फिर आपने इस चीज़ को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल करना है। तो जब ये जैसे प्रोसेस अभी आपका स्टार्ट हुआ है, अभी आप सीखने के प्रोसेस में हैं, तो जब सीखने के बाद आप इसी चीज़ को बेचेंगे, इस स्किल को सेल करेंगे, तो फिर जो इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव करने का मामला आएगा। तो हमने एक स्टेप और आगे जाते हुए हमने अपने स्टूडेंट्स को वो भी फैसिलिटेट करने का फैसला किया है कि उनको बाहर से जो पेमेंट्स रिसीव करनी है वो कैसे रिसीव करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे जो लोकल बैंक अकाउंट्स होते हैं वहां पे आप इंटरनेशनल पेमेंट्स डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि इसके लिए हमने फैसल बैंक के साथ और पेयनीर के साथ हमने एक कोलैबोरेशन की, पार्टनरशिप की, जिसका प्योरली मकसद ये था कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, हम उनको फैसिलिटेट करें, फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो थोड़ा सा मैं आप सबको अपने साथ लेके चलना चाहूँगा ताकि आप लोग एक फोकस होके इस सेशन में साथ रहें। आज जो हम मिल रहे हैं वो हम मिल रहे हैं पहले स्टेप के लिए, और पहला स्टेप क्या है कि आप एक डिजिटल बैंक अकाउंट ओपन करेंगे फैसल बैंक का, बुराक फ्रीलांसर डिजिटल बैंक अकाउंट। इसकी कुछ खास जो खसूसियत है जो इसको बाकियों से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करती है वो ये है कि
पहली दफा आप देखेंगे कि एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसके लिए यू डोंट हैव टू गो और विजिट एनी ब्रांच, आप घर में बैठे हुए, अपने गांव में बैठे हुए, अपनी कन्वीनियंस के ऊपर आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकेंगे। ये बहुत अच्छी सहूलत है। सेकंड, इसमें क्या होगा कि आपको आमतौर पे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए अपना एक इनकम प्रूफ देना होता है, तो इस केस में आपको ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपने कोई इनकम प्रूफ देना है, ना ही आपने वॉकआउट करना है, कहीं पे जाना है आपने, किसी ब्रांच में विजिट करना है, आपको दोनों चीजें डोर स्टेप के ऊपर मिलेंगी। तो आज बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम पहला स्टेप करेंगे, हम फैसल बैंक के साथ आज ये सेशन है, उनकी सीनियर टीम हमारे साथ अवेलेबल है, वो आपको प्रेजेंटेशन भी देंगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करेंगे कि आपने ये अकाउंट कैसे ओपन करना है, इसको काम कैसे इसको करना है। फिर उसके बाद सेशन के एंड के ऊपर वो हमें अवेलेबल होंगे कि वो हमें बताएंगे हमारे जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे। दूसरा पार्ट इसका ये है पेनीर का। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि लोकल तो हमने बैंक अकाउंट आज हम ओपन करेंगे, तमाम स्टूडेंट्स अपना ओपन करेंगे, उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने पेनीर के साथ इसको लिंक करना होता है। पेनीर जो है, थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ये एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है जिसके साथ आप अपने लोकल बैंक अकाउंट को लिंक कर लेते हैं, और लिंक करने का फायदा ये हो जाता है कि फिर आप डायरेक्ट वहां से पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम उनके चार्जेस होते हैं, वो पे करके आप उनको अपने साथ लिंक करते हैं। तो पेनीर का मैं आपको इतना ही बताऊंगा, उसकी रीजन ये है कि आपके कोर्स के सिलेबस के अंदर हमने पेनीर की एक्टिविटी का एक पूरा दिन रखा हुआ है। जैसे आज हम फैसल बैंक के लिए मिल रहे हैं, आज आपका एक रेगुलर लेक्चर को हम खत्म करके हम आपको फैसल बैंक का सारा सिखा रहे हैं प्रोसेस, और फिर आप अकाउंट अपना ओपन करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से एक दिन हम पेनीर की एक्टिविटी करेंगे, और वो है भी सेकंड स्टेप, पहले अकाउंट होना चाहिए ताकि हम पेनीर के साथ उसको लिंक कर सके। तो बिफोर हैंडिंग ओवर टू फैसल बैंक, मैं सिर्फ एक दफा फिर आप सब स्टूडेंट्स को कहूंगा कि फोकस हो के देखिएगा, फोकस हो के सुनिएगा, जो क्वेश्चन आता है रेस ना करें, हैंड रेस ना करें, आप चैट बॉक्स में लिखें और पहले देख लें कि ये क्या चीज है। पेनीर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप अभी ना कीजिएगा, क्योंकि आज का प्योरली मकसद बुराक डिजिटल फ्रीलांसर अकाउंट आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर देना है, तो आज आप उसी पे फोकस रखिएगा, उसी पे तवज्जो रखिएगा। जो क्वेश्चंस होंगे सेशन जैसे ही प्रेजेंटेशन एंड होगी तो आप फिर वो क्वेश्चंस कीजिएगा, आपके ट्रेनर भी साथ में इन्वॉल्व रहेंगे, मैं भी क्वेश्चंस पूछता रहूंगा। हम आज मोहम्मद रेहान साहब हमारे साथ जो अवेलेबल हैं, हम उनकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे और उनसे अपनी तमाम जो भी कंफ्यूजन होंगी वो हम उनसे दूर करवाएंगे। ठीक है, तो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मैं हैंड ओवर करता हूँ मोहम्मद रेहान साहब को। रेहान साहब, आप प्लीज स्टार्ट कीजिए, और जो एक बच्चों की मोटिवेशन के लिए हमने एक अनाउंसमेंट भी करनी होती है, तो मैं चाहूंगा कि वो मैं ना करूं, वो आपके मुंह से बच्चे सुने। तो हैंडिंग ओवर टू यू रेहान साहब। थैंक यू नवी साहब। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। बेसिकली हमें भी काफ़ी ये अच्छा है कि हमारी कोलैबोरेशन जो है वो PITB के साथ हुई है, कि जितने भी फ्री लैंसर्स हैं तो उन्हें हम कम से कम ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हों कि उनके पास अगर इनकम प्रूफ नहीं है और वो अर्निंग कर रहे हैं एज अ फ्री लैंसर, तो उनके पास अकाउंट हो जो कि उन्हें ईज प्रोवाइड करेगा उनके फंड्स की रिसीविंग के लिए, राइट। अच्छा, जैसे कि अनाउंसमेंट, सबसे पहले मैं ये करना चाहूँगा, जितने भी आप सब लोग फ्री लैंसर हैं और भी मल्टीपल बैचेस के अंदर हैं, तो जितने भी फ्री लैंसर्स हैं ये अपने फर्स्ट मंथ के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं फैसल बैंक में, और उसी मंथ जो है वो सबसे हाई अपने अकाउंट के अंदर ये जो है अपना रेवेन्यू, जो भी आपकी अर्निंग है वो अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट करवाते हैं। तो जितने भी उसमें से 3 टॉप परफॉर्मर होंगे आपकी टीम में से, वो क्वालिफाई करेंगे अवार्ड के लिए। वो अवार्ड क्या है, जो नंबर 1 पोजीशन पे होगा उसे एक लैपटॉप दिया जाएगा, और सेकंड एंड थर्ड को जो है वो मोबाइल फोन दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बूस्ट करने के लिए है। तो जो आगे हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे तो उसे जो है वो आप अच्छे से सुनिएगा, ताकि आपको हेल्प कर सके अकाउंट क्रिएट करने के अंदर और जितनी भी डिटेल्स उस अकाउंट से रिलेटेड परटेन करती हैं, राइट। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ PPT में जो स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी को भी कोई कंसर्न हो, क्यूरी हो, अपने जो है क्वेश्चंस नोट करें, और इसके बाद जो हमें Q&A सेशन करेंगे वहाँ पे सारे आपके जितने भी Q&A होंगे हम उसको जो है फिर वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मेरी स्क्रीन आप सब लोगों के पास विजिबल होगी,
ठीक है। अच्छा, ये फ्री लैंसर अकाउंट, इसका नाम जो रखा गया है वो ब्राक डिजिटल फ्री लैंसर अकाउंट है, कि जितने भी फ्री लैंसर्स हैं हम उनको ये प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। इस अकाउंट के क्या क्या फीचर्स हैं, कि अगर आप अकाउंट ओपनिंग करने चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी करेंसी अवेलेबल है, ठीक है। आप हमारे पाकिस्तान की लोकल करेंसी जो है PKR, उसके अंदर भी अकाउंट प्रोसेस कर सकते हैं, और सेकेंड आपको एक फॉरेन करेंसी के अंदर ऑफर दी जा रही है जो कि USD होती है, ठीक है। तो आप इन दोनों करेंसीज के अंदर अकाउंट प्रोसेस कर सकते हैं, चाहे तो आप PKR में रख लें, चाहे तो आप USD में रख लें, या आप दोनों अकाउंट रख सकते हैं। अकाउंट की नेचर जो है वो जस्ट करंट होगी, और इस अकाउंट के थ्रू आप लोकल अकाउंट के अंदर कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने पेओनियर के अकाउंट को, जैसे कि अभी नवीद साहब ने बताया था, तो आप किस पेओनियर के अकाउंट के साथ इस अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, ताकि आपके अकाउंट के अंदर जो फंड्स हैं वो डायरेक्टली क्रेडिट हो जाए। इस अकाउंट के साथ आपको एक डेबिट कार्ड दिया जा रहा होता है, आप ई स्टेटमेंट की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप के थ्रू, और फैसल बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन है उसके थ्रू ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। मोबाइल में बैलेंस करना हो, IBFT करना हो, ये भी कोई भी आपको फैसिलिटी अवेल करनी हो, तो ये चार आपके पास प्लेटफॉर्म है यूज करने के लिए। इसके कोई चार्जेस आपसे नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, आप अकाउंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन अलाउ है कि क्या आप अपने अकाउंट के अंदर डेबिट कर सकते हैं और क्या क्रेडिट कर सकते हैं, तो इसकी एक मंथली लिमिट दी गई है जो कि 5,000 USD और इट्स इक्वेलेंट, कि $5,000 आपके अकाउंट के अंदर आ जाएं या फिर इसके इक्वेलेंट पे क्या करेंसी हो। इसके अलावा एक एडिशनल सर्विस दी गई है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने अकाउंट के अंदर जो है 50,000 का डिपॉजिट रखते हैं, राइट, 50,000 आपका डिपॉजिट जो है मेंटेन हो रहा है आपके अकाउंट के अंदर, तो आप एक्सेस करते हैं कि आपको चेकबुक फ्री मिलेगी, आप पे ऑर्डर बनवाना चाहते हैं वो आपका फ्री होगा, और आप हार्ड कॉपी में कोई स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है तो वो आपकी फ्री होगी। अकाउंट ओपनिंग की जर्नी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा इस ट्रेनिंग के बाद, तो आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो आपको फैसल बैंक की वेबसाइट पर ले जाएगा, और वो वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको जो है वो विजिबल होगी। ये जर्नी स्टार्ट होती है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर, याद रखिएगा ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके NISC के बिहाफ पर आपको इशू हुआ हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर पुट करने के लिए जा रहा हूँ, बट मेरा मोबाइल नंबर जो मेरे फादर के नाम पर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो मुझे आगे एक्सेस करने नहीं देगा। तो आपका मोबाइल नंबर आपके NISC पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर पुट करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा 6 डिजिट का, वो OTP आप यहाँ पर मैंशन कर दीजिएगा तो वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएगा। ये स्क्रीन आपको विजिबल करवा रही है कि आप अपना यहाँ पर ID कार्ड जो है उसे अपलोड करें, चाहे उर्दू में हो इंग्लिश के अंदर हो, तो आप अपना NISC यहाँ पर अपलोड करेंगे, यहाँ पर अपने NISC की क्लियर पिक्चर लेंगे फ्रंट साइड से एंड बैक साइड से। तो ये जस्ट इसकी प्री रिक्विजिट लिखे हुए हैं कि आपको किस एंगल पे अपना NISC रखना है, तो इसकी ये तीन चीजें मेंशन हुई हुई हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही अपना NISC फेच करते हैं तो वो आपको इस स्क्रीन पे ले जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपकी नादर से डिटेल्स को फेच करके यहाँ पर शो कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल आपका नाम हो गया, NISC नंबर और ये सब चीजें। इनकेस कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्लेस नहीं होती तो आपको यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन प्लेस करनी है। वो इन्फॉर्मेशन आप कैसे प्लेस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मोहम्मद रेहान इकराम है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट में मोहम्मद मेंशन करूंगा, मिडिल में रेहान और लास्ट में इकराम। इन केस अगर मेरा नाम मोहम्मद रेहान है तो फर्स्ट में मोहम्मद मेंशन करूंगा और लास्ट में इकराम। यहाँ पर जो मिडिल नेम है इसे जो है मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। ये याद रखिएगा जिस पर रेड स्टेरिक्स बने हुए ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जब तक आप ये फील्ड्स फिल नहीं करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट स्टेज पे लेके नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर मेरा नाम सिर्फ मोहम्मद है तो मैं फर्स्ट नेम में जस्ट मोहम्मद मेंशन कर दूंगा और मिडिल नेम छोड़ दूंगा और लास्ट नेम पर मैं NA कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि रेड स्टेरिक है तो इसे फिल करना मैंडेटरी है, तो इसमें जस्ट मैं NA कर दूंगा। जेंडर में आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका ID नंबर जो है फेच कर लेगा, यहाँ पर आप जो है वो CNIC SNIC को सेलेक्ट करेंगे कि आपका इंग्लिश में है उर्दू में है तो वो आप करेंगे, आपका NICOP है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है, उसके बाद जो है वो आप ये कंफर्म करेंगे कि आपकी जो NIC है उसकी एक्सपायरी लाइफ टाइम है
ये फिर उसकी एक्सपायरी की डेट मेंशन है। नॉर्मली ये उन कस्टमर्स के साथ होता है जिनकी एज नियर टू 60 और 60 प्लस होती है, तो उनका NIC जो है फिर वो लाइफ टाइम का होता है। ठीक है, तो प्रोबेबली आप लोगों के केस में बहुत ही मिनिमल से होता है क्योंकि यंग पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें प्लेस करनी है। तो आप नीचे देख रहे होंगे इसमें ID की इश्यूएंस और ID की एक्सपायरी मैंशन करनी होती है। आप इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये इस स्क्रीन पे लेकर आ जाएगा जहाँ पर आपकी एक सेल्फी पिक्चर रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको यहाँ पर अपनी कोई स्नैप अटैच नहीं करनी। आप जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है, और उससे आपकी सेल्फी कैप्चर होगी। यहाँ पर सिर्फ ये चीज आप जो है वो ध्यान रखिएगा कि आप जो देख रहे हो वो आप कैमरे की तरफ देखेंगे तो आपकी जो सेल्फी है वो एक्यूरेट कैप्चर कर लेगा। नॉर्मली हम जो है वो स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, राइट? तो अगर आप कैमरे पर देखेंगे तो वो पूरा फोरहेड जो है ना वो आपका कैप्चर कर लेगा और आपकी सेल्फी यहाँ पर सेफ हो जाएगी। नेक्स्ट स्क्रीन करेंगे तो आपकी सेल्फी कैप्चर हुई भी यहाँ पर नजर आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे कस्टमर की डिटेल्स जो है वो कन्फर्म करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के आप अकाउंट सेलेक्ट कौन सा कर रहे हैं, इंडिविजुअल है या ज्वाइंट है, तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। फिर आपसे करंट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपका फ्रीलांसर है। इसके बाद आपसे करेंसीज का पूछ रहा है कि आप जो है वो कौन सी करेंसी के अंदर अकाउंट प्रोसेस करना चाहेंगे, PKR या USD। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि आप दोनों करेंसी में भी सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी एक करेंसी पे भी जा सकते हैं। इनकेस अगर आप दोनों करेंसी में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले आप एक करेंसी को सिलेक्ट करेंगे, अपनी जर्नी को पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर उसका नेक्स्ट वापसी आएंगे और फिर जो है आप दूसरे अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आपसे यहाँ पे अकाउंट का पर्पस पूछा तो अपना अकाउंट का पर्पस मेंशन कर दें, अपनी सिटी बताएंगे, अपना एरिया बताएंगे और ब्रांच। नॉर्मली लोग ब्रांच जो है वो अपने नियर टू होम रखते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप नियर टू होम ही रखें, बट वी सजेस्ट कि आपके नियर टू होम होती है तो आपके लिए बेनिफिट रहता है, आपके लिए फिजिबल होता है कि आप ब्रांच कभी भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपकी जो है वो सिर्फ क्रिएट हो रही होती है, कस्टमर इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही होती है कि फॉर एग्जांपल कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर है। ठीक है, ये आपको मेंशन करना मैंडेटरी है, जैसे कि रेड स्टैरिक यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। आपका ईमेल एड्रेस अवेलेबल है तो आप मेंशन कर सकते हैं, इन केस नहीं है तो आप आगे मूव फॉरवर्ड कर दें। पर्पस ऑफ अकाउंट आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, यहाँ पे अपना आप प्रोफेशन ऑक्यूपेशन कर सकते हैं कि आप जो फ्रीलांसर हैं। फिर नीचे आप देख रहे होंगे वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, तो यहाँ पर वैल्यू एडेड सर्विसेज वो हैं जिस पर बैंक आपसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड पर सिलेक्ट कर सकते हैं, SMS पे कर सकते हैं, ई स्टेटमेंट कर सकते हैं। तो जो जो चीज़ें आपको अवेल करनी है तो वहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू सर्विसेज आपके अकाउंट के साथ लिंक हो जाएंगी। यहाँ पर आप अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपसे करंट मेलिंग एड्रेस कंफर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने घर का रेजिडेंस एड्रेस मेंशन करेंगे। रेजिडेंस एड्रेस मेंशन करने के लिए राइट हैंड पर इसका फॉर्मेट दिया हुआ है कि पहले आप बिल्डिंग नंबर मेंशन करें, स्ट्रीट नंबर मेंशन करें, रोड नंबर है या रोड नाम है आप वो मेंशन कर सकते हैं, और अपनी सिटी मेंशन कर दें। ठीक है, जिप कोड आपको अपने एरिया का पता है तो मेंशन कर दें, नहीं तो आप सिटी का जिप कोड यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे लैंडलाइन का नंबर का कंफर्म किया जा रहा है कि आपके पास लैंडलाइन नंबर अवेलेबल है तो आप मेंशन कर दें, इनकेस नहीं है तो आप ना मेंशन करें, और इसकी जगह आप अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास सेकेंडरी मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो। इसके बाद आप यहां से कंटिन्यू कर दीजिएगा तो यहां पर आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बात कर रहा है। ठीक है, जहाँ तक आप फ्रीलांसर हैं तो आपके पास कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, और वी प्रीफर कि आप यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आप जहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वहाँ का आपके स्टूडेंट कार्ड होगा तो उसको भी आप यहाँ पर अपलोड नहीं करिएगा। आपने जस्ट क्लिक करना आई कैन नॉट प्रोवाइड द प्रूफ। ठीक है, आप सिर्फ इस चीज़ पर क्लिक करेंगे और इसे आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर कोई किसी किस्म का आप डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करेंगे कि आपने बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दी या फिर अपना स्टूडेंट कार्ड अटैच कर दिया। फिर राइट हैंड पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक आपको स्पेसिमेन सिग्नेचर का ऑप्शन दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको अपने साइन मेंशन करना है। तो आप ब्लैंक पेपर लीजिएगा एक वाइट कलर का, उस पे आप जो है एक ब्लैंक पेपर पे अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा और ये आपके अकाउंट के लिए सेफ हो जाएंगे। वी प्रीफर कि आपका सिग्नेचर जो है एज पर NIC हो, और इन केस अगर NIC आपका नहीं है तो फिर उसके लिए आपका एक इंडेमनिटी रिक्वायर्ड होगी, वो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपको प्रोसेस करके देगा।
ठीक है, तो अगर आपके साइन वही हैं जो आपने NIC पे किए हुए हैं, तो एक ब्लैंक पेपर पे आप करके उसे अटैच कर दें, और अगर वो वैरी करते हैं तो भी आप उसी पेपर पे अटैच करके आगे फॉरवर्ड कर दिएगा जब ये डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपसे CRS एंड FATCA की डिटेल्स मांग रहे हैं। CRS आपका कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होता है, और FATCA उन कस्टमर्स के लिए होता है जो कि US के रेजिडेंट्स और नेशनल्स होते हैं। ठीक है, तो CRS जो है आपको ये बता रहा होगा कि आप जो है पाकिस्तान में हैं तो वहाँ पर आपकी क्या इनकम है, आप टैक्स पेयर हैं या नहीं है, और फैट का आपको ये बता रहा होता है अगर आप US के हैं तो वहाँ पर आपकी रेजिडेंस है, इनकम वहाँ से जनरेट होती है और एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अगर आप US से पर्टेन करते हैं तो आप यस करेंगे, और पाकिस्तान से हैं तो फिर आप नो करेंगे। तो प्रोबेबली यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, उनकी इनकम यहाँ पर होगी, उनकी रेजिडेंस यहाँ पर है तो वो नो सेलेक्ट करेंगे, और किसी के अगर ऐसी फील्ड है कि वो जो है वो US से बिलोंग करता है तो फिर उसके लिए उन्हें जो है वो यस पर सेलेक्ट करना। इसे कंटिन्यू करके आप चेक लगाएंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे जहां पर आप CRS की डिक्लेरेशन दे रहे होंगे। यहां पर सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दे रहा है प्लस एड कंट्री, तो यहाँ पर आप एड कंट्री के अंदर जो है पाकिस्तान सेलेक्ट करिएगा, और फिर नीचे आपसे डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, तो आप इन सब पे चेक करेंगे, रीड करेंगे और इसे फिर आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर पूरी आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई है, और जितनी भी चीज़ें आपने बैक एंड पे सेव की थी वहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि आप स्टेप लेकर आए हैं और आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन प्लेस हुई है। यहाँ पर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन अपनी जो है सही से मेंशन नहीं की या कोई स्पेल एरर है, तो आप बैक कर सकते हैं और अपनी जर्नी को जो है वो अगेन कंप्लीट कर लें। जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे सबमिट का ऑप्शन आपको देगा, और देन ये स्क्रीन आपकी विजिबल हो जाएगी कि आपके तरफ से जर्नी कंप्लीट हो गई है। अब बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपको कब कॉल करें, आप स्टार्ट कॉल पे भी जा सकते हैं और शेड्यूल कॉल पे भी जा सकते हैं। अगर आप स्टार्ट कॉल करेंगे तो विद इन अ 5 मिनट बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपकी कॉल रिसीव करेगा और आपसे वेरिफिकेशन लेके जो है वो आगे प्रोसेस कर देगा। वी प्रीफर कि आप शेड्यूल कॉल करिएगा, तो उसमें जो आपका प्रेफरेंस टाइम होगा बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपको उस टाइम पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट का लॉक लगा हुआ होता है और फिर आपकी जर्नी अगेन स्टार्ट हो जाएगी। सो इस वजह से शेड्यूल कॉल करेंगे तो आपको किसी तरह का कोई हैसल नहीं होगा। अच्छा, ये अकाउंट की डिटेल्स और अकाउंट ओपनिंग करने की जो है वो लिंक्स है, तो ये अभी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आपके ट्रेनर्स जो हैं वो भी आपको शेयर कर देंगे। इसके अलावा कोई भी कंसर्न, कोई क्यूरी होती है तो हमारा ईमेल एड्रेस और कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी हमने गिवन किए हुए हैं, तो आप वहाँ से लेके जो है हमें इस पे डिटेल्स मांग सकते हैं। और इस अकाउंट के अंदर कोई भी कंसर्न आ रहा हो, क्यूरी आ रही हो, तो आप हमें उस ईमेल पे जो है वो मेंशन कर दीजिएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। इसी एप्लीकेशन पे आपको ऑप्शन होगा पेओनियर का, तो जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन का, तो आप अपने पेओनियर के अकाउंट को फैसल बैंक के अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं ताकि आप अपने फंड्स को इजिली क्रेडिट कर सकते हो अपने अकाउंट से। ठीक है, तो मेरी तरफ से यहाँ तक है, और जिसका जो भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताएं ताकि हम उसको फिर एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच रेहान, आपने माशाल्लाह बड़ा डिटेल जो है वो बच्चों को सारा दिखाया सिखाया। अब मैं यहाँ पे जुहेब जो हमारे साथ ट्रेनर हैं, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं या स्टूडेंट के बिहाफ के ऊपर तो आप काइंडली हमें फायदा उठाना चाहिए। रेहान साहब हमारे साथ अवेलेबल हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मीनवाइल एक क्वेश्चन मैंने भी देखा है रेहान साहब, आप काइंडली उसको बताइएगा। ये बच्चे कुछ पूछ रहे हैं कि जो अकाउंट की लिमिट आपने बताई है $5,000 की, ये इंक्रीज की जा सकती है? सॉरी, जी रेहान साहब, अकाउंट की लिमिट जो है जैसे $5,000 का है, ये इंक्रीज की जा सकती है? कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं इसके बारे में। अच्छा नवीद साहब, देखें जहाँ तक इस अकाउंट के लिमिट के बारे में, ये बेसिकली SBP की रेगुलेशन है, स्टेट बैंक की रेगुलेशन है ना, तो इसके अंदर हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो उसी लिमिट पर जो है ना वो बॉन्ड हुए हैं, क्योंकि इस अकाउंट के अगेंस्ट में कोई हम इनकम प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर रहे ना, तो इस वजह से यहाँ पर अकाउंट की लिमिट अभी तक टिल डेट यही है। कोई भी रेगुलेशन आती है उसमें इंक्रीज होगा तो वो जाहिर सी बात है वो सब लोगों के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है। और इसमें कोई इस अकाउंट को मेंटेन करने के कोई मंथली कोई ईयरली चार्जेस भी हैं?
नहीं, कोई चार्जेस नहीं इस अकाउंट को मेंटेन करने की, नहीं कोई मंथली, कोई ईयरली फीस नहीं। चले डेट्स ग्रेट, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि इसी कार्ड को हम जो फेसबुक पे, गूगल पे, जो बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पेमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी यूज किया जा सकता है डायरेक्टली? अच्छा देखिए, जहाँ तक आपका ये डेबिट कार्ड है तो इसके थ्रू आप जो है वो स्वाइप कर सकते हैं मर्चेंट के ऊपर, एटीएम्स वगैरह पर। इनकेस अगर आपकी ऐसे रिक्वायरमेंट है जहाँ पर आप खुद से पेमेंट कर रहे हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पर, फेसबुक, गूगल, जहाँ भी प्लेटफॉर्म पर आपको पेमेंट करनी है, तो उसके लिए फेसल बैंक आपको एक ये ऑप्शन देता है कि आप जो है वर्चुअल कार्ड बना सकते हैं। वो वर्चुअल कार्ड आपको एक्सेस करता है कि आप जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पेमेंट कर सकते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही डेबिट कार्ड आपको जो है वो वर्चुअल पे होगा, आपका एक्सेस आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, जहाँ पर आपको उसके डिजिट्स बिल्कुल सेपरेट मिलेंगे, उसका सीवी कोड अलग होगा, उसकी एक्सपायरी अलग होगी, तो आप उसके थ्रू जो है वो पेमेंट्स कर सकते हैं। जो हार्ड कॉपी आपको मिलेगा प्लास्टिक, उसके थ्रू नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो वर्चुअल कार्ड होगा ये डिफरेंट होता है इस डेबिट कार्ड से, या ये सेम ही चीज होगी, सिर्फ उसको हम वर्चुअली यूज कर पाएंगे सिर्फ पेमेंट्स वगैरह के लिए? देखें, एक प्लास्टिक आपको जो डिलीवर हो गया है वो बिल्कुल सेपरेट है, और वर्चुअल कार्ड आपको सेपरेट मिल रहा है ताकि आप जो है वो अपनी इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसी तरीके से कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि इस अकाउंट को अगर हम पीकेआर में ओपन करवा लेते हैं या यूएसडी में करवा लेते हैं, और बाद में फिर इसको वाइस वर्सा चेंज किया जा सकता है पीकेआर से यूएसडी या यूएसडी से पीकेआर में? नहीं, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि बाद में करेंसी कर सकते हो। तो अच्छा, कभी भी ऐसा ऑप्शन हो, कभी भी कोई ऐसे रिक्वायरमेंट हो कि उन्हें यूएसडी प्रोसेस कर लिए और पीकेआर की रिक्वायरमेंट है, तो एक सेम प्रोसेस कर लीजिएगा ताकि आपका पीकेआर में हो जाए, अपने फंड्स ट्रांसफर करके अगर उसे क्लोज करना चाहते हैं क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, चलें, दैट्स गुड। और इसमें कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है? आपने कुछ फैसिलिटीज के बारे में बताया था वो ट्रेन, ठीक एडिशनल है। वो एडिशनल है बैंक की तरफ से, कोई नहीं कि आपको अकाउंट मेंटेन करने की नहीं है, कोई मिनिमम अमाउंट रखनी रखनी है, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है। वो एडिशनल बेनिफिट लेने की, अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप 50,000 मेंटेन कर लें। ठीक है, चलें, दैट्स गुड। और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि ये अगर उनका ऑलरेडी फैसल बैंक के अंदर एक करंट अकाउंट है, तो क्या उसको भी वो ये बुराक फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट पे कन्वर्ट करवा सकते हैं, या ये अलग से नया खुलवाना पड़ेगा उनको? अकाउंट कन्वर्ट नहीं होते हैं, वैसे जैसे कि आपने पहले पूछा कि पीकेआर से वो यूएसडी में हो जाए तो वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उसके बैक पर सब चीज़ें अलग हुई हुई होती हैं। हाँ, तो अगर आप फ्रीलांसर के लिए जाएंगे तो फिर आपको जो है वो सेपरेटली प्रोसेस करना होगा। अच्छा। और इसमें एक चीज बताइएगा थोड़ा सा मेरे नॉलेज के लिए भी, कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है? क्या इसमें बिल्कुल छूट है उसकी, या वो हमें किसी ना किसी स्टेज पे जाके करवानी होगी स्टूडेंट्स को जो अकाउंट ओपन करवाएंगे? देखिए, बायोमेट्रिक बेसिकली स्टेट बैंक की रेगुलेशन है, ठीक है, तो उसे हम जो है ना वो बाईपास नहीं कर सकते। इस अकाउंट के लिए क्या एग्जेम्प्ट किया गया है कि आपको 60 डेज का टाइम दिया गया है कि आफ्टर अकाउंट एक्टिवेशन आपके पास 60 डेज का टाइम है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपको फैसल बैंक की ब्रांच दिखे आप वहाँ पे विजिट करके अपनी बायोमेट्रिक दे दें, तो आपकी बायोमेट्रिक आपके अकाउंट पर प्लेस हो जाएगी, आप कोई भी ब्रांच कर लें। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर जैसे विलेजेस वगैरह के एड्रेसेस हैं, वो कैसे प्रोसेस करेंगे? मतलब अगर उनके करीबी शहर में या वहां पे गांव में ब्रांच नहीं है कोई, तो जो नियरेस्ट ब्रांच है वो फिर जो भी नियरेस्ट पड़ती हो, जो भी शहर करीब होता हो, चाहे वो काफी ज्यादा दूर भी हो, तो उसको फिर सिलेक्ट करेंगे? अच्छा देखें, बायोमेट्रिक जैसे मैंने बताया कि ये मैंडेटरी है ना, तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं उनको विजिट करना होगा कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर कहीं ना कहीं विजिट कर लें, जहाँ भी नियर टू होम उनकी फैसल बैंक की ब्रांच अवेलेबल है तो उसे विजिट करके वहाँ पर अपनी एक बार बायोमेट्रिक दे दें। इन केस अभी इस पर हमारे पास वर्किंग भी चल रही है एप्लीकेशन के ऊपर कि बायोमेट्रिक का जो स्कैनिंग का है वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाए, बट वो IT पर है तो उस पर कितना टाइम लगेगा हम कन्फर्म नहीं कर सकते, बट ये ऑन है। तो जब तक ये नहीं अब ऑप्शन अवेलेबल होता तो ब्रांच जरूर विजिट करनी होगी। और सेकेंडली, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि जब एक ऑनलाइन, जैसे आपने प्रोसेस गाइड किया है अकाउंट ओपन का, वो कॉल स्केड्यूल कर लेते हैं और उनको बैंक की तरफ से रिलेशनशिप मैनेजर की कॉल भी आ जाती है, तो उसके बाद कितने टाइम में अकाउंट ओपन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है? 48
वर्किंग आवर्स का होता है कि आपको कॉल रिसीव होती है और वो अपनी सारी कंफर्मेशन के बाद प्रोसेस करेंगे, तो 48 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाता है, 48 वर्किंग आवर्स में। 48 वर्किंग आवर्स में हो जाता है, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा गाइड कर दें, काफी बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बारे में कि भी ये जो डेबिट कार्ड घर आएगा, एक तो वो कितने दिनों में डिलीवर होगा और क्या उसके कोई चार्जेस होंगे, और चेकबुक के चार्जेस के बारे में भी पूछ रहे हैं कि चेकबुक का क्या प्रोसेस होगा। देखिए, डेबिट कार्ड आपका और चेकबुक जो है ये आपके जो ब्रांच एड्रेस है, ठीक है, वहाँ पर डिलीवर होंगे। हम करवा रहे हैं कि ये आपके रेजिडेंस एड्रेस तक डिलीवर हो जाए, बट वो इन प्रोसेस में, तो जब कॉन्फर्मेशन आएगी तो ही मैं कैस्केड करूँगा। बट अभी तक ये है कि आपके ब्रांच एड्रेस पर डिलीवर होगा, और जिस दिन आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो 7 to 8 working days के अंदर जो है ना वो आपके ब्रांच एड्रेस पर डिलीवर हो जाएंगे। इसके अंदर नॉर्मली 2-3 days के अंदर 4 days में मिल जाता है, बट हम डेट जो रखते हैं वो 1 week का रखते हैं। ठीक हो गया। तो इट मींस के एटीएम कार्ड की और कोई फीस नहीं है और एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं इसमें हो रहे, ये भी काफी बच्चे पूछ रहे हैं इसके बारे में। नहीं, कोई डेबिट कार्ड की कोई इसकी जो है फीस नहीं है, कोई इसके इश्यूएंस नहीं है। एनुअल फीस होती है, यानी कि नेक्स्ट ईयर इसी डेट पे जिस दिन इनको इश्यू हुआ है, नेक्स्ट इसी डेट पे उनको जो है वो एनुअल फीस होगी। तो एसओसी में आपके साथ शेयर कर लूंगा, क्योंकि हर 6 month के अंदर एसओसी जो है शेड्यूल ऑफ चार्जेस वो चेंज होते हैं, तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे। समहाउ अराउंड 1800 होता है, ठीक है, बट मैं शेयर कर दूंगा तो उस पर आप जो है वो देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चे बाद में भी, यानी कि ये मैं स्टूडेंट्स के लिए भी बता देता हूँ कि ये जब हमारी ट्रेनिंग एंड होगी तो तमाम लिंक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, स्केड्यूल ऑफ चार्जेस भी शेयर कर दिए जाएंगे, अकाउंट ओपनिंग का लिंक, अकाउंट ओपनिंग की गाइड, आपको तमाम चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी। मीनवाइल क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, मैं जो मेरे साथ ट्रेनर अवेलेबल हैं सुहेब, अगर आपने भी कोई क्वेश्चन करना है अपनी तरफ से या स्टूडेंट के बिहाफ के ऊपर, तो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी साथ में देख लीजिए ताकि हम फ़ायदा उठा सकें रेहान साहब की मौजूदगी का, और जो क्वेश्चन है हम आज ही उनसे क्लियर कर लें। जी श्योर सर। सो मेरा एक क्वेश्चन था बीच में 5000 लिमिट के बारे में, मैंने देखा कुछ बच्चों ने भी ये सेम क्वेश्चन, क्योंकि सारे एलुमनाई हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर अर्निंग वेरी गुड माशाल्लाह, एंड द क्वेश्चन इज कि 5000 ये मंथली लिमिट है या अकाउंट मेंटेन करने के लिए ऑल इन ऑल, वी कैन नॉट हैव मोर देन $5000। नहीं, $5000 बहुत सारे बच्चे तो $5000 वो in a month or more than that in a month वो earn कर लेते हैं freelancing से और उनको जरूरत होगी withdraw करवाने की, तो what's your take there? देखिए, जो अकाउंट की लिमिट है मंथली डेबिट और क्रेडिट करने की वो 5000 USD और इट्स इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब इट्स में ये है कि मैं इस अमाउंट को जो है वो चेंज नहीं कर सकता। बेसिकली ये जो रेगुलेशन है वो स्टेट बैंक के थ्रू है ना, और आपको पता है कि जो भी स्टेट बैंक की तरफ से रेगुलेशन आती है तो हमें उसे जो है वो फॉलो करना होता है। हाँ, ये हो सकता है कल स्टेट बैंक की देखिए यार काफ़ी अच्छी इनकी जो है वो ट्रांजेक्शन वगैरह परफॉर्म हो रही है, तो हम इस अमाउंट को डबल कर देते हैं, ठीक है, बट अभी तक हमें ऐसा कुछ रिसीव नहीं हुआ। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं $5000 10 महीने इस अकाउंट में रखता हूँ, तो मेरे अकाउंट में हो जाएगा $50,000 और मुझे दोबारा कीजिएगा, थोड़ी सी आवाज में आपकी डिस्टॉर्शन थी। जी जी, मैं पूछ रहा था कि लेट्स से फॉर 10 months 10 महीने के लिए मैं हर महीने $5000 अपने अकाउंट में रखवाता हूँ, 10 महीने बाद मेरे अकाउंट में $50,000 हो जाता है। अब मैंने कोई प्रॉपर्टी लेनी है और मैं वो सारे पैसे विड्रॉ करवाना चाहता हूँ, सो इन दैट केस मैं वो सारे 1 महीने में तो विड्रॉ नहीं करवा सकूंगा, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो करवा सकते हैं, उसका फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो आपकी मंथली ट्रेंड हुई है ना, तो वो आपका निकल सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू। और इसमें एक और क्वेश्चन था जरा बार बार, कन्वर्जन रेट इसमें इंटरबैंक वाला जो यूजुअली इंप्लीमेंट होता है सेम रहता है या इसमें कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं? लेट्स से मेरा अकाउंट यूएसडी में है और मैं किसी एटीएम से विड्रॉ करवा रहा हूँ, तो वो रियल टाइम में जो कन्वर्जन रेट होगा वो इंटरबैंक रेट उसमें इंप्लीमेंट होगा?
देखिए, यूएसडी में अगर आपका अकाउंट है ना, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में आपको डेबिट कार्ड इशू नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको चेकबुक इशू होती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आज का जो कन्वर्जन रेट है वो क्या चार्ज हो रहा है, राइट। पीकेआर में आपको डेबिट कार्ड इशू हुआ हुआ होता है, तो आप पीकेआर से आप कर लेते हैं। अगर आपके पास फॉरेन करेंसी में अकाउंट है, तो आपकी जो विड्रॉल्स होती हैं, जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर आप जो एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे, और जो विड्रॉल्स हैं वो आप चेकबुक के थ्रू कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स सी, चेकबुक के थ्रू वहां पे इंटरबैंक रेट इंप्लीमेंट होगा, तो उसमें से कोई डिडक्शन हो? नो नो, जब आप चेकबुक के लिए जाएंगे तो आप जो अपनी विड्रॉल्स करवाते हैं वो फॉरेन करेंसी में करवाएंगे। राइट, सो बैंक वुड बी पेइंग मी इन डॉलर्स, डॉलर बैंक नोट्स। राइट, बेसिकली आपको फॉरेन करेंसी में, तो उसी वजह से, क्योंकि नॉर्मली डिबेट यही हो रही होती है कि जो चार्जेस हैं जो कि ट्रांसफर के होते हैं, तो उसके ऊपर कंसर्न आ जाता है ना, तो इस वजह से जो है वो फॉरेन करेंसी के अंदर ही होता है। हाँ, उसके बाद फिर आप जो है वो चेंज करवाना चाहें, निगोशिएशन करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं ब्रांच से। Right. So is common, a good interesting question, is it common that all the branches have like dollar banknotes available all the time? ओके, जो मेन ब्रांचेस होती है हर सिटी के अंदर, वहाँ पर फॉरेन करेंसी अवेलेबल होती है, ठीक है। कोई भी आपके नियर टू ब्रांच है होम के, तो आप एक दिन पहले अगर उनको रिक्वेस्ट कर देंगे, तो वो नेक्स्ट डे जो है वो आपका जो चेक है उसे जो है वो कैश कर देंगे। तो क्योंकि उनके पास फॉरेन करेंसी अवेलेबल नहीं होती, तो वो अरेंज करते हैं और आपको नेक्स्ट डे जो है वो पेमेंट कर देंगे। Right, right, right. Understood. Or as you said, one person can have a multiple account, like one in PKR and one in USD. बिल्कुल, आप एक साथ जो है वो दोनों अकाउंट भी रख सकते हैं, ठीक है, पीकेआर एंड यूएसडी, और दोनों में से कोई एक अकाउंट मेंटेन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। Right. And one more question, can we give this account directly to our clients rather than connecting it with Payoneer? इट्स ऑल अप टू यू। बेसिकली पेओनर का ऑप्शन है कि वो एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है ना, ठीक है, तो आपकी जो पेमेंट्स आती हैं तो वो पेओनर के, आपने हर क्लाइंट को दिया हुआ तो पेओनर में करते हैं, आप उससे आपने इस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं तो आप ये अकाउंट नंबर अगर कहीं भी दुनिया में देना चाहें, तो वो भी डायरेक्ट आपके इस अकाउंट के अंदर जो है ना वो फंड्स आपके क्रेडिट करवा सकते हैं, जो कि आपका आईबीएन नंबर होता है 16 डिजिट का, तो अगर आप वो फॉरवर्ड करेंगे तो उस अकाउंट में भी आपके डायरेक्टली फंड्स क्रेडिट हो जाएंगे फैसल बैंक में। Right. Sounds good. Thank you so much for answering my questions. Over to you, Naveed sir. चले, थैंक यू सो मच सुहेब, थैंक यू सो मच रेहान साहब, आज हमने काफी फायदा उठाया आपकी मौजूदगी का, और काफी चीजें आपने प्रेजेंटेशन में भी बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया, और फिर हमने जो हमारे क्वेश्चंस थे वो भी हमने आपसे क्लियर किए। मैं बस अब इसको सम अप करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, ट्रेनर्स, ट्रेनीज, फैसल बैंक की तरफ से मोहम्मद रेहान साहब हमारे साथ थे, सर्विस क्लस्टर हेड हैं। बच्चों, एक थोड़ा सा मैं आपको इसको सम अप करते हुए, ताकि आप अपने आप को बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील ना करो कि ये चीज काफी ज्यादा हो गई इंफॉर्मेशन। आपने, ये बहुत ही आसान प्रोसेस है डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का, बिल्कुल जैसे आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसके लिए अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे आपको जैसे गाइड किया गया है, किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने सिर्फ सीएनआईसी आपका वैलिड होना चाहिए, नियरेस्ट ब्रांच को विजिट करना है, 60 डेज के बाद जाके आप उसमें बायोमेट्रिक करवाएं, यानी विद इन 60 डेज, तो वो आपको काफी फैसिलिटेट किया गया हर चीज के अंदर। पेनीर के साथ इसको लिंक किया जाएगा फर्दर बाद में, उसके लिए स्पेशल एक आपका सेशन होगा। मीनवाइल आपके पास ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, अभी आज जब आपका ये सेशन बंद हो जाएगा, आज के डे एंड से पहले पहले आपके ग्रुप्स के अंदर तमाम लिंक्स शेयर कर दिए जाएंगे। फैसल बैंक का अकाउंट ओपन कैसे करना है, उसको लिंक कैसे करना है, उसकी ओपनिंग की जो पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड है, उनके कस्टमर सपोर्ट के ईमेल एड्रेसेस हैं, फोन नंबर्स हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप आज इस मौके का फायदा उठाएं। इस ट्रेनिंग अभी अभी आपने की है, आप अपना अकाउंट ओपन करें डिजिटली, घर बैठे हुए, अपने ट्रेनिंग सेंटर में बैठे हुए, घर जाके ओपन करें, लेकिन आप अपना अकाउंट आज जरूर ओपन करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो उस लिंक पे क्लिक करें, आपके ट्रेनर्स अवेलेबल हैं। इवन अगर कहीं से भी कोई मसला रिजॉल्व नहीं होता, तो हमने हेड ऑफिस की तरफ से एक गूगल फॉर्म आपको दिया हुआ है, आप हमारे से भी क्यूरी डायरेक्टली कर सकते हैं उस फॉर्म के जरिए से, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। होपफुली जितना आसान प्रोसेस है, मैंने तो जिस दिन पहले दिन मेरे साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर हुई थी, तो मैंने उसी दिन वो अकाउंट अपना ओपन कर लिया था, ताकि मैं देख सकूं कि प्रोसेस कैसा है। तो माशाल्लाह आप लोग सब मास्टर्स हैं,
तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी इस चीज को करने पे। तो आप सबसे पहले मैं फिर इसको सम अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। रेहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, और जुहेब आपका भी शुक्रिया, ट्रेनीज आप सबका भी शुक्रिया। हम इसी नोट के साथ इस चीज को इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच, होपफुली आप सबकी क्यूरीज रिजॉल्व हुई होंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जुहेब आप मीटिंग एंड कर दीजिए प्लीज। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू।